हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, ऊपर आपने देख लिया होगा, मैंने अभी कल एक वीडियो डाली थी आईपीयू लीड का फॉर्म भरना कैसे है स्टेप बाय स्टेप। तो ओब्वियसली स्लाइड लीड का भी फॉर्म निकल गया है, उसको भी भरना है। तो बच्चे कह रहे कि सर हमारे ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे यार। ठीक है, तो स्लाइड लीड के फॉर्म निकल गए हैं बेटे। लास्ट डेट क्या 15 अप्रैल है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लेके जाता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल में यहाँ पे एक हमने पोस्ट डाला है जिसमें हमने लिखा स्लाइड लीड के फॉर्म आउट हो गए हैं। एग्जाम डेट जो है वो 4 मई की है और फॉर्म फिलिंग 4 मई, और आज क्या है, फरवरी। तो ये इस ड्यूरेशन में अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो क्रैश कोर्स ऑल लीड के लिए 9999, ठीक है, उसके लिए हमने निकाला हुआ है। तो वो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं अगर चाहें तो। और उसकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट 1 फरवरी से लेके 15 अप्रैल है। मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, उसने भी फॉर्म भर दिया, मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या हैं प्रॉब्लम्स, मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लेंगे और आपका भी हो जाएगा काम। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1750 है लड़कों के लिए, 1250 लड़कियों के लिए, और 1000 रुपये SC ST रिजर्व कैटेगरी के लिए। ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है स्लाइड लीड के लिए। इसमें तीन डोमेन, तीन ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी में है। कई बच्चे एक कमेंट सेक्शन में लिख रहा था, एक बच्चा कि मैं सिविल से हूं, क्या मैं स्लाइड में कंप्यूटर ले सकता हूं। नहीं भाई, नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आप कंप्यूटर नहीं ले सकते। कंप्यूटर वही बच्चे ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जिन्होंने डिप्लोमा करा, वो अपनी ब्रांच कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, या मतलब जो सेम ग्रुप में होंगे वो अपनी ब्रांच को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज स्लाइड में ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। सर टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट टेंटेटिवली बता रहा हूँ बेटे, 120। वैसे पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 115 से 120 के बीच में वैरी करी है, तो इस बार भी 120 के टेंटेटिवली है। सीट यहाँ पे दो तरह से होती है, एक होती है डायरेक्ट एंट्री, एक होती है वर्टिकल एंट्री। वर्टिकल एंट्री उन बच्चों के लिए जो वहीं स्लाइड से ही डिप्लोमा करें, उसके बाद वहां से वो बीटेक करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेट पेपर दूसरे टाइप का है। आपके लिए जो सेट पेपर दूसरे टाइप, आपका बीटेक लेटरल एंट्री सेट 3 है, 4 है, क्या है भाई, सेट 3 है आप लोगों का जो है वो सेट 3 है। उसमें डिप्लोमा की परसेंटेज कितनी चाहिए सर? 45%। सर अगर मैं ग्रुप ए या ग्रुप बी का हूं, मुझे अगर अपने ब्रांच का तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे जो ये, क्योंकि पेपर में आपने बोला था दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक है 70 नंबर, एक 80। टोटल है 150 नंबर का। 70 नंबर किसका? मैथ, फिजिक, केमिस्ट्री का। और 80 नंबर किसका? आपकी ब्रांच का। आपकी ब्रांच में जैसे मैंने बोला ग्रुप ए में तीन ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, उनको तीनों का मिला के 80 आएगा। ऐसे मैकेनिकल में तीन चार ब्रांचेस को मिला के 80 आएगा मैकेनिक। ऐसे केमिकल, पॉलीमर, फूड टेक्नोलॉजी, उनको मिला के 80 का आएगा। तो ये पूरे 150 नंबर का इस तरीके से। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो स्लाइट लीट की वेबसाइट में मैं आपको लेके चलता हूं। तो सबसे पहले गूगल पे लिखो स्लाइट एग्जाम, slideexam.co.in, ये इसका अप्लाई करने का लिंक है। सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने मैंने जैसे ये वेबसाइट खोली, उसके बाद मैंने इस पे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा तो इस तरीके से ये मैंने अभी जो हमारे सामने बच्चा बैठा उसने फिल कर लिया है ना। लास्ट डेट क्या है जी? 15 अप्रैल 2024। घबराना नहीं है, जैसे अभी बच्चे ने मेरे को ये भेजा तो बच्चा भी टेंशन में आ गया था कि सर मेरा जो ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, उसके ऊपर आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम स्लाइड 2022। तो ये उनके सॉफ्टवेयर पार्ट में प्रॉब्लम है ना। आप चाहो तो इसके लिए मेल लिख सकते हो, तो वो बड़े इजीली रिजोल्व हो जाएगा। जिन्होंने भी उनकी वेबसाइट को, ये एडमिशन से रिलेटेड जो भी बंदे उनकी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, एक मैसेज है ऑलरेडी जो उनके HTML कोड में लिखा गया होगा, या जहां पे भी लिखा गया हो, वर्डप्रेस में बनी है, जहां पे भी बनी है यार, मुझे इससे क्या, वहां पे 2022 लिखा हो वहां पे 2024 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपके पास यूजर नेम आता है, पासवर्ड आता है, और उसके बाद आपको कहता है कि आपको टोटल 5 स्टेप है वो फिल करने हैं। स्टेप 2 में क्या, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल बतानी है। स्टेप 3 में अपलोड इमेजेस। स्टेप 4 में आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 5 में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेंगे। सर कैसे? मैं जैसे आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे का यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद 9171 ये मैं साइन इन करता हूँ, और साइन इन ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, तो मैंने अगर ओपन कर रखा है तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा इसमें अप्लाई फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चे की कोई भी कैटेगरी, उससे आप क्या करेंगे क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसकी फैमिली इनकम, जेंडर, रीजन, ब्लड ग्रुप,
तो यहाँ पे आपको सोचते हुए सब भरना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला तो हो गया रजिस्ट्रेशन का स्टेप वन, स्टेप टू हो गया आपकी क्वालिफिकेशन, जो डिप्लोमा लास्ट डिप्लोमा जहां से आपने किया है, 10th की डिटेल मांगेगा। उसके बाद आप अपलोड इमेजेस करेंगे, उसके बाद पेमेंट। वो बहुत आसान, सबसे इजी इस फॉर्म को भरना है, बहुत स्मूथ और बहुत आसान है इस फॉर्म को भरना, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि भाई मैंने कुछ छोड़ दिया है या कुछ चीज बतानी थी जो मैंने नहीं बताई, तो प्लीज बता देना। मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से जो जो स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस फॉलो करने हैं, स्लाइड लीड का फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो भाई उसके लिए तो मैं बार बार इन्वाइट करता हूँ, सब बच्चों को इन्वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जिसमें 15 ऑल ओवर इंडिया लेटरल एंट्री के टॉप के कॉलेज मैंने इसी में पोस्ट करी, कि क्योंकि ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन आज की डेट में भी टॉप 15 वही हैं। तो मैंने ताकि ये वाले बच्चे भी अवेयर हो जाएं कि कौन कौन से हैं लेटरल एंट्री के टॉप के कॉलेज। जैसे मेरे सामने जो विक्रम बैठा है बेटा, ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ स्लाइट ही देना है और स्लाइट में कंप्यूटर शाखा लेनी है। तो मैं एक एकदम मतलब कहते हैं घोड़े के यहाँ पे भी वो लगा दिया, यहाँ ये भी, इधर भी गत्ता लगा दिया, इधर भी, और बस 4 मई को फोकस कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना भाई? ये कह रहा जी सर, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।